और जाकर मेल मिलाप करके रफा दफा कर दिया और स्वीप इट अंडर द कार्पेट, डोंट टैकल इट फ्रंटली। नाउ दिस इज गुड, शॉर्ट टर्म वैल्यूज किया है पीस, बट लॉन्ग टर्म वेरी बैड फॉर द नेशन, बिकॉज वो ही एलिमेंट्स और ज्यादा ताकतवर होते रहते हैं, और ज्यादा ताकतवर होते हैं और आपकी ब्लैकमेलिंग बढ़ती रही। सो दिस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, दिस पॉलिसी ऑफ ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट इज शॉर्ट टर्म वैल्यू, लॉन्ग टर्म लॉस। नाउ वी व्हेन वी कन्फ्रंट, यस इंडीड दे हैड बिकम मोर पावरफुल अनफॉर्चुनेटली ओवर दीज इयर्स, शॉर्ट टर्म नेगेटिव, लॉन्ग टर्म वैल्यू। आई एम वेरी श्योर दिस इज पॉजिटिव, और ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है हमारी, नेशनल स्ट्रेंथ, नेशनल इंटीग्रिटी, इंटेग्रिटी, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया इस एक्शन। वो जो बाहर से कहा गया था कि पैसा आ रहा है, कुछ लोग आर्म्स एंड एमिनेशन भी कुछ ममालिक शायद सप्लाई कर रहे थे, वो अब चोक कर दिए उनके सप्लाई रूट्स, या अभी भी कोशिश ये तो जारी रहती है कशमकश। नहीं कोई ऐसा, आई कांट कॉन्फिडेंटली से कि बिल्कुल, इतना बड़ा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, हर जगह गार्डेड नहीं है, तो ये तो चलता रहेगा आमद और। अच्छा, जहां तक आप जैसे अब इलेक्शंस की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जी कुछ गुफ्तगू भी हो रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, आफ्टर 7 ईयर्स बज़ाहिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें अभी भी बात उन्हीं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के गिर्द घूम रही है, यानी बेनजीर भुट्टो साहिबा की पीपल्स पार्टी, चाहे उसमें फेस चेंज हो जाए, चाहे नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून, और तो कोई नई चीजें तो सामने आई नहीं, तो क्या कोई नया माहौल है? लोग तो उन्हीं पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। इशू इज नॉट द पार्टीज, पार्टीज तो नई कम बनती हैं मुल्कों में, ये तो नहीं कोई नई पार्टी बनानी तो कोई इतना आसान काम नहीं होता है। इंडिविजुअल्स और हैं, पार्टीज तो रहेंगी, वही रहेंगी बिल्कुल, इंडिविजुअल्स का सवाल है, नए इंडिविजुअल्स को आना चाहिए। व्हाई आर वी स्टक विद सेम इंडिविजुअल्स? पार्टी डजंट मीन कि बस एक ही इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल नहीं है तो उसका भाई है या बेटा है या बेटी है, ये तो कोई मोनार्की तो नहीं है इधर। इन पार्टीज उनकी हैं, वही पार्टीज हैं, वही पार्टीज लड़े, नए इंडिविजुअल लाए। तो ये वो पार्टी वालों को सोचना चाहिए कि हम अपने नए लोग लाए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ प्रॉब्लम ये है, डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी जो है पार्टी में होती है पहले, उसके बाद नेशन में होती है। यहां पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच लीडरशिप डजंट गेट थ्रोन थ्रू द पार्टी, देयर फोर लीडरशिप वैक्यूम हो जाता है। यहां आप देखेंगे ऑफिस बेयरर्स में पार्टी के, आप डेवलप्ड नेशन में जहां डेमोक्रेसी मैच्योर्ड है उधर देखें लीडर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, वो कहां से आते हैं? वो ऊपर से तो नहीं नॉमिनेट करता ना, नीचे से इलेक्ट होते हुए आते हैं और ऑफिस, तो देयरफॉर जो लोग होते हैं उनके जो पार्टी ऑफिस बेयरर्स, उनकी बड़ी स्ट्रेंथ होती है, दे आर लुकिंग डाउन एट पीपल हु आर वोटिंग फॉर देम, नॉट एट द बॉस कि उसने बनागा दिया कल हटा देगा, नो दे कांट बी रिमूव्ड बिकॉज पीपल हैव इलेक्टेड देम फ्रॉम विद इन द पार्टी। ये जब नहीं होगा तो लीडरशिप का प्रॉब्लम होगा। आपने अपनी किताब में कहा है कि आयरनी ये है कि सिविलियन आता है तो वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, और मैं एज ए मिलिट्री मैन आता हूँ तो मार्शल लॉ नहीं लेकर आता हूँ। इसकी बिल्कुल वजह थी, ये सोचे समझे बगैर नहीं किया हमने। दो मार्शल लॉज यहां लगे हैं, पहले हमने देखा है, मैं भी उसका हिस्सा था, आर्मी जब भी आती, मेरी ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, जब भी मार्शल लॉ लगता है तो एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, प्रोविंसेस में मार्शल लॉ एमएलएज बैठ गए, डिविजन में डीएमएलएज बैठ गए, डिस्ट्रिक्ट में एसएमएलएज बैठ गए, तो हम ऊपर आकर मुर्गी की तरह उसके ऊपर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बैठ जाते हैं, और उसके बाद जब कई साल बाद जाते हैं उठ वो वहीं के वहीं दबे। इसको हमने 4-5 घंटे डिबेट किया इन द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड, आई फील वी शुड मेक द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बूस्ट करें, उनको ऊपर करें, लेट्स ब्रिंग देम अप, उनकी उनको इम्प्रूव करें, दे मस्ट फंक्शन, दे मस्ट परफॉर्म। तो लिहाजा मैंने मॉनिटरिंग सिस्टम एक बनाई, तो मॉनिटरिंग सिस्टम, और मैं खुद फिर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना, चीफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्टर थ्रू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी को यूज करें मॉनिटरिंग फ्रॉम द साइड, मेक श्योर दैट दे आर फंक्शनिंग। एंड डिड यू अचीव योर एम्स? आई थिंक सो। आई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी को मैंने एनकरेज किया, शुरू में प्रॉब्लम्स थे बहुत,
देन वी केप्ट गोडिंग देम टू इम्प्रूव एंड नाउ अब और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए. उसका हमने कमेटी बनाई हुई है डॉक्टर इशरत की, जिसमें से गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चरिंग और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को हम अब देख रहे हैं ताकि और ज्यादा बेहतर किया जाए. सर, इतनी बड़ी तादाद में औरतें आई इलेक्शन के हवाले से, प्रोविंशियल असेंबलीज में, नेशनल असेंबलीज में, नाजिम के लेवल पे. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो कुछ वो काम कर नहीं सकी जो करना चाहिए था. आप किस हद तक एक तो उनसे मुतमईन है, और फिर यही बात आती है कि इवन मिलिट्री गवर्नमेंट हो या औरतें इतनी तादाद में आए, हुदूद ऑर्डिनेंस वहीं का वहीं रहता है. नहीं नहीं, मैं देखें, यू कैन नॉट जंप फ्रॉम जीरो लेवल टू लेवल नंबर 10. दैट इज माय फर्म बिलीफ. और इसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए. लोगों को एक्सपेक्टेशन होती हैं कि यार बिल्कुल कुछ नहीं, ख्वातीन कहीं भी नहीं है, अब हम एकदम से जंप लगाकर 10वीं मंजिल पे जाना चाह रहे हैं. नहीं पहुंचेंगे, गिर जाएंगे, जीरो ही पे आ जाएंगे. यू हैव टू जंप लगाएं 5-6 मंजिल 7 मंजिल और फिर कोशिश करते रहें, चलते रहें. अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमने ख्वातीन की है. अब ये कहें कि ये सब कुछ अचीव कर लिया, नो नॉट एट ऑल, बट दिस इज अ गुड लीप फॉरवर्ड. गुड लीप फॉरवर्ड कि ख्वातीन खुद अब अपने आप को एग्जर्ट करें, असेंबलीज में एग्जर्ट करें. हमने उनको आवाज दे दी, असेंबलीज में शोर मचाएं, हर जगह अपनी राइट्स के लिए लड़े और ज्यादा लें, और ज्यादा लें, और अपनी कैपेसिटी भी बनाएं. सिर्फ अपने आप को भी देखें ना. अब यहाँ ख्वातीन जो हैं पाकिस्तान में, आई मीन ड्यू रिगार्ड्स टू यू, एवरीवन इज नॉट लाइक यू, लेट मी से थैंक यू सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट. ये कैपेसिटी नहीं है ख्वातीन में. अब कैपेसिटी ना हो और आप कहें हमें जी हमें ग्रेड 22 50% 50% दे दो, कहां जी ले आए ना जरा, आप कितनी है आपकी ख्वातीन जो केपेबल हैं. तो ये बात नहीं, अपनी कैपेसिटी भी इंप्रूव और हो रही है. यहाँ एजुकेशन में देखें, मुझे बड़ी खुशी होती है, लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हैं आजकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में. तो वो जमाना आ जाएगा जब आपकी बराबरी होगी, एंड आई वांट दैट शुड बी डन. बट टू एक्सपेक्ट जस्ट नाउ कि जी हमने अचीव कुछ नहीं, अचीव पहले कैपेसिटी भी करें और अचीव होगा इंशाल्लाह. हदूद पे आप आ गए, हदूद वहीं का वहीं, 79 से वहीं का वहीं है जी. हु हैज चैलेंज्ड हदूद? Did anyone have the guts to do it? Why do you think nobody has the guts to do it in spite of 2/3 majority? In spite of 2/3 majority? Nawaz Sharif. Yes, yes, ji haan. Because they didn't have the will and they thought they'll lose the 2/3 majority. I mean that is what they thought. But I believe that whatever the outcome, we will do it and we will do it. Ab usme jab dekhta hai aadmi to इतना आसान नहीं है कि हम एकदम से मैं आऊं जनाब कोई रूल निकालें चलो जी ये पास करो. देखें एक एक्सट्रीम पे लिबरल एक्सट्रीमिस्ट हैं हमारे, बहुत सी ख्वातीन भी हैं, रिपील कर दें जी इसे वरना हम सड़कों पे आ रहे हैं. रिपीलिंग का मतलब समझती नहीं है, उन्होंने स्टडी नहीं किया हुआ है कि देर आर 5 लॉज इन हदूद, वन ऑफ देम बींग फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिशन. अब कल रिपील कर दें तो मतलब अलाउ कर दिया शराब पियो जी पाकिस्तान में, ये प्रोहिबिशन खत्म हो गई. तो ये इतनी आसान नहीं है ये चीजें. दूसरी साइड पे हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं जो समझते हैं टच करोगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे. तो व्हाई नॉट डेवलप कंसेंसस एंड सी ख्वातीन के मेन इश्यूज क्या हैं. मेन इशू बीइंग रेप, मेन इशू बीइंग जिना इशू, जिस दो इशूज हैं जो उनको डील जरूर करना है बिकॉज दे आर द मेन विच आर इम्पिंजिंग ऑन द वुमेन. प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, इसीलिए हम कह रहे हैं उन्हें. ड्रिंकिंग या वो कोड़े मारना वगैरह इट्स नॉट ऑन विमेन, दीज आर पार्ट्स ऑफ द लॉ. सो व्हाई डील विद देम? लेट्स फोकस ऑन द विमेन इश्यूज एंड वी मस्ट करेक्ट देम एंड वी विल करेक्ट देम. लेट्स टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी व्हिच आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग. आपकी किताब में एक जगह जिक्र है कि हमारे पहली दफा इसराइल से थोड़े बातचीत हुई थी.